राजेश, कामता साइबर टीवी पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एटीएम फ्रॉड के बारे में। दोस्तों, भारत में होने वाले साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा जो होता है वो है एटीएम फ्रॉड। एटीएम फ्रॉड क्या है दोस्तों? इस तरह के क्राइम में क्रिमिनल्स जो हैं वो कहीं दूर बैठ के फोन के माध्यम से बैंक मैनेजर बनकर, बैंक का स्टाफ बनकर आपको फोन करते हैं और आपसे बैंक डिटेल्स प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। कई बार हमारी गलती के कारण हम लोग क्या करते हैं, उनको बैंक डिटेल्स सारा बता देते हैं। जैसे उनका वो कहते हैं कि आपका अगर अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, आधार से लिंक नहीं, आधार से लिंक करने के लिए अपने बैंक का सारा डिटेल्स दीजिए, और उसमें हम लोग अपना सारा डिटेल्स उनको दे देते हैं। इसके कारण हमारे अकाउंट से पैसा जो है ट्रांसफर दूसरे अकाउंट में चला जाता है या उससे ऑनलाइन मार्केटिंग की जाती है और सारा पैसा हमारे अकाउंट से निकल जाता है। इस तरह के क्राइम को हम लोग एटीएम फ्रॉड कहते हैं और भारत में सबसे ज्यादा यही क्राइम, साइबर क्राइम हो रहा है। एक इसमें और महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इसके विक्टिम कौन होते हैं। मतलब इस तरह की जो क्राइम होती है इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होते हैं, तो ये मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि ये एक ऐसा क्राइम है जिसके विक्टिम सभी लोग हुए हैं। अभी तक ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है इसलिए वो विक्टिम हुआ है, या ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो गांव में है या जिन जो मोबाइल इंटरनेट नहीं जानता है उनके साथ ही ये घटनाएं हो रही हैं। दोस्तों, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये वो घटना है जो हर किसी के साथ हो रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या पुलिस वाले हो, या जजेज हो, एडवोकेट हो, या टीचर हो, या स्टूडेंट हो, हर किसी के साथ ये हो रहा है। ये जो क्राइम हो रहा है ये होने के पीछे आपके पढ़े लिखे होने का या नहीं होने का, या इंटरनेट की जानकारी होना, फोन होना, ये यहाँ मैटर नहीं करता है। यहाँ सिर्फ ये मैटर करता है कि आपको इस क्राइम के बारे में और ये मॉडल ऑफ अप्रेंटिस के बारे में जानकारी है या नहीं। अब हम बात करते हैं कि इस तरह के क्राइम से हम कैसे बच सकते हैं, क्या करेंगे कि इस तरह की घटनाओं को हम इग्नोर कर सके और इससे अपना बचाव कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये जान लें कि फोन कभी भी बैंक कभी भी हमसे बैंक का डिटेल्स फोन पे नहीं लेती है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज कि आप अपने मोबाइल में एसएमएस अलर्ट जरूर रखें। आप अपने मोबाइल में एसएमएस अलर्ट रखेंगे, कोई भी इलीगल ट्रांजेक्शन यदि होता है तो उसके लिए आपको जस्ट एक मैसेज आ जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट से हो रहा है। और एक बात, यदि आपको लगता है कि कोई इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं और उस समय हम क्या करेंगे, तो सबसे अच्छा है कि आप अपने बैंक ब्रांच का नंबर आप अपने पास रखें। यदि कभी लगे कि ऐसा कोई सस्पिशियस कॉल आ रहा है या आपको लग रहा है कि आपके अकाउंट से कुछ गड़बड़ हो सकता है तो आप जस्ट वहां कॉल करें और कॉल करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं और अपने पासबुक को रेगुलर अप टू डेट कराते रहें। हम इन सारी बातों पर ध्यान रखकर अपने अकाउंट को सेफ रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भाग, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कि यदि इस तरह की घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं तो हम क्या करेंगे। हम लोगों को नहीं पता होता है कि इस तरह की घटनाएं यदि हमारे साथ हो रही है तो इसके बाद यदि ये घटना हो गई है, मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया तो हम क्या करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं खास तौर से यही बताने वाला हूं कि किस तरह से इसके बाद हमारा एक्ट क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके अकाउंट से कितना पैसा निकला है। जैसे ही एसएमएस अलर्ट आना शुरू हुआ आप पे कि आपके अकाउंट से इतना पैसा निकल रहा है, इतना पैसा निकल रहा है, इमीडिएटली आप बैंक को कॉल करें, आप कस्टमर केयर को कॉल करें और अपने अकाउंट को तत्काल बंद कराने का, ब्लॉक कराने का अनुरोध करें उनसे। आपको लगता है कि यदि इस तरह का कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है तो सबसे पहले तो यदि संभव हो तो पासबुक को अपडेट करा लें, और यदि हो सकता है कि रात में अचानक से फोन कॉल आपको ट्रांजेक्शन का एसएमएस आ रहा है तो वैसी स्थिति में क्या करना है आपको कि मान लीजिए अगर अमेजन या फ्लिपकार्ट का ही वो ट्रांजेक्शन हो रहा है तो जस्ट आपको करना है हर एक वेबसाइट, हर एक ऑनलाइन मार्केटिंग वाले जो कंपनी हैं उनका एक हेल्पलाइन नंबर होता है, वहाँ जस्ट आपको उसी समय इमिडिएटली
एक मेल कर देना है कि ये ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो इलीगल है, और इस तरह से आप उस ट्रांजेक्शन को रुकवा सकते हैं। आप जस्ट लिख दे कि ये इलीगल ट्रांजेक्शन है, इसे रोक दिया जाए। अपना एटीएम कार्ड नंबर और मतलब फर्स्ट 4 डिजिट और लास्ट का 4 डिजिट देते हुए, अपना अकाउंट नंबर देते हुए आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन रोका जाए। ये जो शॉपिंग वेबसाइट है, शॉपिंग कंपनी है, ये इस पे इमीडिएट काम भी करती है और इमीडिएटली उसको ब्लॉक भी करती है। इसके बाद आपको करना ये है कि इस तरह से यदि आप एक ईमेल ड्रॉप कर चुके हैं अपने वेबसाइट को जिससे फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन हुआ है, उसके बाद इसकी जानकारी आपको पुलिस को तत्काल देनी चाहिए। जितना जल्दी संभव हो सके आपको पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए ताकि क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। पुलिस के पास जाने से पहले, पुलिस स्टेशन में जाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको करना होता है, जो कर लेंगे तो थाने में आपको परेशानी कम होगी, क्योंकि वो आफ्टर ऑल आपको करना पड़ेगा। जैसे बैंक अकाउंट को अपडेट, पासबुक को अपडेट कराना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पासबुक को अप टू डेट करा लेना है, उसके बाद आपको एटीएम कार्ड का फोटो कॉपी लेना है, पासबुक का फोटो कॉपी लेना है, और उसके बाद आपको जाकर पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना देनी है और आपको FIR कराना है। तो ये कुछ सारी बातें हैं जो आप करके हो सकता है कि आपका कुछ अमाउंट जो है इससे बच भी जाए। जैसे हम लोग वेबसाइट पे एप्लीकेशन रिक्वेस्ट डालते हैं ब्लॉक करने का, वो रोक देती है, तो हो सकता है वो ट्रांजेक्शन जो है फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन रुक जाए और वो रिवर्ट होके आपके ही बैंक अकाउंट में फिर से वो पैसा वापस आ जाए। तो ये सारी चीजें थी जिनको जानकर हम लोग बच सकते हैं, अपनी बचाव कर सकते हैं। और ATM फ्रॉड जैसा जो इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, इसमें बहुत हद तक अंकुश लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि कुछ हम पेमेंट गेटवे का ईमेल आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, ताकि यदि कभी वैसी कोई घटना होती है तो उस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं उनको, और वो उस तरह की फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन को रुकवा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये जानकारी हो कि इससे कैसे बचा जा सकता है, इसमें क्राइम होने के बाद कैसे हम लोग इसमें क्या करेंगे।